हेलो बच्चों, आज हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे कि हम उच्च वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उच्च वसन यानी कि सांस द्वारा वायु बाहर निकालना। जब हम सांस लेते हैं तो हम वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और फिर वायु को सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। जब वायु को हम शरीर के अंदर ले जाते हैं उसको हम अंतःश्वसन कहते हैं, और वायु को जब हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं उसे उच्च वसन कहते हैं। तो उच्च वसन के दौरान हम हमेशा पढ़ते हैं कि मनुष्य सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर छोड़ता है, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए चूने का पानी, जो कि हमने यहाँ पर एक बर्फ नली के अंदर लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि चूने का पानी बिल्कुल पानी के जैसा ही होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, आप देख सकते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पर परख नली के अंदर हमने कांच की नली ली है, जो अंदर से खोखली है, जिसमें से वायु बार बार जा सकती है। हम इस कांच की नली को इस परख नली में पूरा नहीं डुबोते हैं, जितना चूने का पानी उसमें आधा डुबोते हैं, हम इसमें सांस के द्वारा वायु को छोड़ते हैं। ये देखिए, चूने का पानी दूध के जैसा होना शुरू हो गया है। देखिए, थोड़ी देर पहले चूने का पानी बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ था, बिल्कुल पानी के जैसा था, पारदर्शी था, लेकिन अब जो है चूने का पानी कैसा हो गया है, दूध के जैसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सांस के द्वारा जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और चूने के पानी की आपस में अभिक्रिया हुई, जिसके कारण यह दूधिया हो गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में छोड़ते हैं।